नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता उके। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं एक यूपी की स्पेशलिटी, तहरी पुलाव। ये पुलाव हमारे घर में जो सलमा आपा काम करती हैं उन्होंने मुझे सिखाया है, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं उनसे मैं ये सीखी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। और पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए चावल। आप जो उन्होंने मुझे बताया है उसके हिसाब से यह नए चावल के बनता है ये पुलाव। जब भी नई फसल आती है चावल की, तब नई चावल से पुलाव बनता है। लेकिन अभी हमारे पास जो चावल है वो हमने लिए हैं। मैंने एक कटोरी से ये दो कटोरी चावल लिए हैं। हमारे घर में वैसे भी अनाज बहुत कम बनता है, तो ये हमारे लिए तीन लोगों के लिए सफिशेंट है। तो ये हमने अच्छे तरह से भिगो के एक आधा घंटा पहले हमने धो के रख दिए हैं। उसके बाद में इसमें जाएगा। और जहाँ तक मुझे मतलब उन्होंने बताया कि यह पुलाव बनता है सिर्फ मटर और आलू में, लेकिन हमने इसका थोड़ा सा न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारी ढेर सारी सब्जियाँ डाल दी है, ताकि उसका फाइबर कंटेंट भी बढ़े। तो इसमें हम डाल रहे हैं फ्लावर, कटा हुआ प्याज मतलब फूल गोभी, प्याज, टमाटर, आलू, मटर, कटा हुआ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, नमक स्वादानुसार, थोड़े से तड़के में गरम मसाले जाएंगे जिसमें तेज पत्ता है, लौंग है, थोड़ी दालचीनी है, एक काली इलायची, थोड़ा शाहजीरा और घी, थोड़ा सारा तेल और थोड़ा घी, और हींग आपका ऑप्शनल है, लेकिन मैं हर चीज़ में डालना पसंद करती हूँ थोड़ा हींग। और हमारे मसाले के जो भी रेगुलर मसाले हैं, जैसे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये तीखा मिर्च पाउडर है और ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये सारे हम डाल के अभी बनाने जाएंगे तहरी पुलाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। ये कुकर यहाँ पे मैंने गरम होने के लिए रख दिया है ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम इसमें एक छोटे दो चम्मच तेल डाल लेंगे, क्योंकि इसमें घी भी जाएगा, घी से इसका स्वाद थोड़ा बढ़ता है। आप चाहो तो आप सिर्फ तेल में भी बना सकते हो, लेकिन अभी हम इसमें छोटे तीन चम्मच तेल डाल दिया है। और अभी एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच आपके हिसाब से आप, जब मैंने एक चम्मच डाल दिया है घी। अभी ये अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे अभी तड़का लगाएंगे। चलना प्यार में जरा संभलना, ओ सॉरी, चलिए मैंने गाना चालू कर दिया था बीच में, मेरी आदत है खाना बनाते हुए गाना गाने की। तो हमने इसमें तेज पत्ता डाल दिया है, फिर काली इलायची डाल दी है, अभी डाल दिया है थोड़ी सी दालचीनी, बहुत थोड़े थोड़े गर्म मसाले चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, तीन चार लौंग, थोड़ी सी तीन चार काली मिरी और ये शाहजीरा। ये गया भाई साहब अंदर, देखिए कितने सुंदर उसकी आवाज़ आ रही है, बढ़िया है ना, खाने में भी कैसे म्यूजिकल चीज़ें होती है, मसालों की कड़कड़ाहट, चम्मच की छनछनाहट। अभी ये हो गया, हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, इसमें हम डालेंगे अभी प्याज। देखिए साहब इसके अंदर गए प्याज, गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। ये हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, लंबे कटे हुए टमाटर, उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट। ये गया एक चम्मच, ये गया डेढ़ चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया अंदर। ये हमारे टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं, अभी हम इसमें डालेंगे फ्लावर। फ्लावर के छोटे छोटे करीब 10-12 टुकड़े हैं। इसके बाद इसे थोड़ा हम अच्छी तरह चला देंगे, फिर डालेंगे हम आलू।
डालेंगे हरे मटर, आलू आप गोभी के पहले भी डाल सकते हो, वैसे भी हमने सारे एक साथ डाल दिए तो सब एक साथ पक जाएंगे अभी ये। नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा हींग, और इसको हम अच्छी तरह से चला देंगे। प्याज अभी भी हमने स्लो पे रखा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया तहरी पुलाव ओरिजिनल बनता है नए चावल के साथ और सिर्फ आलू और मटर में, लेकिन हमने इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें सारी सब्जियां डाल दी है। अब जाएगी इसमें भाई हमारे सब गरम मसाले, थोड़े थोड़े गरम मसाले, मतलब जो हमारा मसाले का डब्बा होता है इंडियन किचन का। तो ये गया धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, ये गया चलो डेढ़ चम्मच, एक चम्मच के करीब ही डाल दिया हमने। ये गया अभी कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, 3/4 चम्मच, थोड़ा सा आधा चम्मच से ज़्यादा गरम मसाला। अभी हम डालेंगे ये तीखा मिर्च पाउडर, अभी पहले इसके पहले हमने कश्मीरी डाला था, ये तीखा मिर्च पाउडर डालेंगे। और ये मसालों का प्रपोर्शन आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा करिए, इतना तीखा आपको पसंद है। सब सब्जियां भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा और चला देंगे और थोड़ा पका लेंगे हम इसको, और थोड़े से हल्के पक जाएंगे क्योंकि हमारे चावल भीगे हुए हैं और ये जल्दी पक जाएंगे। तो हम इसको एक आध मिनट तक हम इसको ढक्कन लगा के पका लेंगे अभी। और यह चावल जो तहरी पुलाव होता है थोड़ा नरम होता है, थोड़ा मतलब हम क्या बोलते हैं बिरयानी जैसे सख्त या उसका अलग 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 चावल का दाना नहीं दिखता है हमें, तो ये थोड़ा गीला होता है ये चावल, तो उसके हिसाब से हम भी उसमें थोड़ा पानी भी, जैसे हमने अभी आपको बोला कि ये 2 कटोरी चावल है, तो उसके जो भी चावल का आपका हिसाब कटोरी का हिसाब है उसका 5 times आप मतलब 5 गुना 5 से 6 गुना 5.5 कटोरी पानी लीजिए। और अगर आपको खुले खुले चावल चाहिए तो फिर आप 4 कटोरी में भी इसे पका सकते हैं। ये अभी हमने थोड़ा इसमें ढक्कन लगा दिया है, सीटी नहीं करेंगे अभी, ये खुले में भी पकता है एकदम स्लो, अभी इसको थोड़ा स्लो कर देंगे और थोड़ी हल्की सब्जियां पक जाए तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। हम एक बार ढक्कन खोल के फिर से इनको एक बार चला दे रहे ताकि मसाले अच्छी तरह भून जाए, अच्छी तरह से मसाले भून जाए, इसके बाद हम अपने चावल इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे मसाले अच्छे तरह से भून गए, थोड़ा थोड़ा तेल छूटना चालू हो गया अगर आप देख सकते हो। तो हमने कुकर का ढक्कन जब लगाया था तो उसमें सीटी नहीं लगाई थी, बस ऐसे 1 मिनट भर के लिए ढक्कन रखा था फिर निकाल दिया, और तब से हमने उसे अच्छी तरह से खूब चलाया ताकि सारे मसाले भून जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तेल छूटना चालू हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारे चावल, चावल डाल देंगे, ये हमने धो के भी रखे थे चावल। अच्छी तरह से हम इसे चला लेंगे, साइड में जो भी मसाला लगा है वो हम सब निकाल लेंगे। और आपको अगर क्योंकि जैसे बताया मैंने ये थोड़े नरम ही होते चावल ये तहरी पुलाव, तो आप कुकर में आराम से इसे पका सकते हैं, आप चाहे तो इसे बर्तन में भी पका सकते हो, क्योंकि हमें इसे बिरयानी जैसा खुला खुला नहीं पकाना है। आप उस तरह से अगर वेजिटेबल बिरयानी खाना चाहते हो तो इसे में कम पानी में पकाइए, खुले खुले चावल वो वेजिटेबल बिरयानी बन गई है। अब हम इसमें थोड़ा जैसे बताया कि हम 5 से 6 गुना पानी डाल देंगे इसमें, तो 2 मिनट तक हमने थोड़ा इसको अच्छी तरह से भून लिया है स्लो गैस पे, स्लो या मीडियम गैस पे। अभी हम इसमें डालेंगे गर्म पानी, ये पानी हमने गर्म करके रखा था, ये हम इसमें भी डाल देंगे जी, अच्छी तरह से चला देंगे। अभी मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा जो प्रॉपर तहरी पुलाव बनाना है तो थोड़ा और पानी जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है राइस। चावल भीगे थे, अपने बचा हुआ पानी भी डाल देते हैं।
सब्जी की मात्रा और चावल हमने जो ले लिए थे दो छोटे कटोरी, लेकिन फिर भी उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनेगा उसका जी। और हम ये अभी गैस बड़ा है, इसको इसे कर देंगे ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, हम इसको ऐसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और एक सिटी के बाद, एक सिटी जब हो जाए उसके बाद हम सिर्फ उसको 5 मिनट रखेंगे और फिर बंद कर देंगे, फिर अपने हो जाएगी तहरी पुलाव रेडी। हो गई एक सीटी और इसके बाद अभी हम फ्लेम को एकदम कम कर देंगे सिम। एक सीटी के बाद हम इस पे 5 से 7 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे जी। स्लो पर अभी हमें इसे 10 मिनट हो गए हैं और अभी अच्छी तरह से पक गए होंगे, अभी हम इसे कर देते हैं बंद जी। और एक 10 मिनट के बाद जब इसकी भाप चली जाए तब हम इसे खोलेंगे। तो अभी इसे 10-15 मिनट हो चुके हैं, देखिए ऑलमोस्ट भाप निकल गई है। अब भाप पूरी तरह से निकल चुके हैं, अभी हम इसे आराम आराम से खोलेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हो। और जैसे मैंने आपको बोला ये थोड़ा गीला होता है, अगर हम कम पानी डालते तो इसका वेजिटेबल बिरयानी हो जाती, तो ये इसी तरह से एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी और उसी तरह से ये कंसिस्टेंसी बन गई है। देखिए ये हमारा तहरी पुलाव हो गया रेडी, बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है। और इसमें इसको अभी हम करेंगे सर्व। और चलिए आइए फटाफट खाने के लिए, आपकी प्लेट तहरी पुलाव की रेडी है। ये गया तहरी पुलाव, यहाँ बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ना, मज़ेदार तहरी पुलाव। और इसे हम अभी करेंगे हरे धनिया से गार्निश, वाओ परफेक्ट। तो ये आपका एक डिनर बोलिए या लंच बोलिए, आप इसे इसी तरह से बनाइए और शानदार तहरी पुलाव एंजॉय करिए। इस पर आप चाहिए तो ऊपर से घी, अगर आप उतना, इफ़ यू आर ओके विद दैट अमाउंट घी, हमने क्योंकि पहले डाल चुके हैं तो आप थोड़ा सा घी ले सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी ये बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट लगेगा तहरी पुलाव। तो प्लीज़ एंजॉय, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी टेस्टिंग टाइम, सो ये अपना तहरी पुलाव, उसके साथ ही फ्रेश सैलड, उसके साथ आप गाजर टमाटर चुकंदर जो आपको चाहिए अचार। और हम करते हैं अभी इसे टेस्ट। लाजवाब, बहुत ही बढ़िया वन मील डिश या वन पॉट मील जो आप बोलते हैं, उसी तरह से एक तहरी पुलाव बनाइए और एंजॉय करिए आपका लंच या डिनर। थैंक यू।